हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन डन। एंड व्हाट अबाउट द चेकलिस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो आप करते हैं कॉमनली एग्जाम्स के अंदर? डन ओह नॉट डन? यू डोंट नो अबाउट दीज मिस्टेक्स? व्हाट आर यू सेइंग? देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी मिस्टेक्स जो हम कॉमनली एग्जाम पेपर में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू इट राइट अवे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग। आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम पेपर में बहुत सारा लिख कर आएंगे एंड दैट विल फेच यू मार्क्स? एग्जाम पेपर के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके पेपर पे, जिस तरह से आप लिखते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्मॉल हैक, बट ये हैक आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा। और वो क्या है? जब आप किसी भी आंसर को लिखने लगे, उससे पहले जस्ट एलोकेट 1 मिनट ऑन थिंकिंग द आउटलाइन और द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। इसके अंदर आप ये सोचेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आप कवर करने वाले हैं, रादर देन जैसे ही आपको पेपर मिला एंड यू स्टार्ट राइटिंग। डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आप वैसा करते हैं तो यू एंड अप राइटिंग अ लॉट एंड दैट विल नॉट फेच यू मार्क्स। Alright, so take 1 minute and think about what all keywords you have to use, what is going to be the outline of the answer. Alright, now let's move on to the hack number 2, that is the chronological order. मतलब इमेजिन करिए कि आप एग्जामिनर हैं और आपको एक आंसर शीट चेक करनी है जिसके अंदर आंसर्स कुछ इस तरह से है। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 8। कैसा लगेगा आपको? Won't you get confused? एग्जैक्टली यही होता है एग्जामिनर्स के माइंड में अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एट टाइम्स यू गेट 3 out of 5 और 4 out of 5 ऑफ द एग्जैक्टली राइट आंसर। सो अवॉइड डूइंग दैट। नंबर 3rd मिस्टेक इज कटिंग। क्या आप अपनी आंसर शीट को कुछ इस तरह से कट करते हैं जब भी आप कोई मिस्टेक कर देते हैं? एंड क्या आप बहुत फ्रीक्वेंटली कट करते हैं? तो अगर आप ऐसा करते हैं सो एग्जामिनर को इससे आपकी साइकोलॉजी पता चलती है कि आप बहुत नर्वस हैं या आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप बार बार कटिंग कर रहे हैं। और जब कटिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव टू कट, जस्ट मेक अ सिंगल कट एंड मूव ऑन। एंड नेक्स्ट वर्ड लिखने से पहले जस्ट थिंक अबाउट इट इन योर माइंड बिफोर यू पुट इट ऑन द पेपर। नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इज दैट वी डू नॉट डबल चेक। ओके, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि एंड मोमेंट तक आप पेपर को खत्म ही कर रहे होते हैं एंड यू जस्ट डोंट गेट द टाइम फॉर रिविजन? तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिले उस टाइम पे यू कैन डिसाइड योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। नंबर 1 कि आपको हर क्वेश्चन को कितने टाइम पीरियड में खत्म करना है। नंबर 2 आपको रिविजन के लिए कितना टाइम बचाना है। ऑलराइट, सो दैट अगर कोई गैप्स हैं जिस आंसर को आपने लिखा है, सो रिविजन के अंदर यू कैन फिल दोस गैप्स। नाउ द नेक्स्ट हैक इज पुट इट इन अ बॉक्स। सो मैथ्स के अंदर अगर आप कैलकुलेशन के अंदर रफ कॉलम बनाते हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इन अ बॉक्स। एट टाइम्स क्या होता है कि बिकॉज ऑफ पैनिक हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं एंड वन कैलकुलेशन गेट्स मिक्स टू द अदर वन एंड वी जस्ट डोंट नो कि हमने क्या लिखा था और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऑलवेज एवरी क्वेश्चन के लिए जो आप कर रहे हैं कैलकुलेशन, जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट बॉक्स। नेक्स्ट मिस्टेक इज रीडिंग द क्वेश्चन वेरी क्विकली। सो आई एम श्योर हम सब लोग टाइम बचाना चाहते हैं एग्जाम में, बट क्या आप ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं एग्जाम में? एंड दैट इज कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ते हैं सो दैट हम उसको जल्दी से आंसर कर पाए। नो, इन्वेस्ट सम टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन ट्वाइस। ऐसा करने से कई बार क्वेश्चन को बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा होता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है ताकि यू नो व्हाट इज द कैच इन द क्वेश्चन। अनदर कॉमन मिस्टेक जो हम सब लोग करते हैं स्पेशली मैथ्स के अंदर वो ये होती है, हम अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। ऑलराइट, जब हमारे पास 2 or 3 लाइंस होती हैं, ओके, एंड देन वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड इट टू द अनदर पेज। और ऐसा करने से एट टाइम्स प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस प्लस में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं वी जस्ट डोंट नो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आपको मैथ्स का कोई भी नया सम स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ ब्रांड
new page to avoid these calculations mistakes. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं देन यू गेट कन्फ्यूज कि इसके बाद क्या आना था, क्या लिखना था, क्या मैंने सही लिखा या नहीं? सो वॉट यू नीड टू डू इज जो आप लाइन लिखने वाले हैं जस्ट सब वोकलाइज इट, मतलब अपने माइंड में उस लाइन को एक बार बोलकर देखिए. जब आप अपने माइंड में उस लाइन को बोलकर देखते हैं सो देन योर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स ऑन इट एंड अगर कोई गलती होती है तो आपको वो जल्दी से पता चल जाती है. तो जहाँ पर भी आप कन्फ्यूज हैं जस्ट टेक अ पॉज एंड सब वोकलाइज दैट पॉइंट सो दैट यू नो वॉट इज द राइट आंसर. Now, the next hack is check your spellings. जैसे आपने revision के लिए time निकाला, वैसे ही क्या आपने spelling check के लिए time निकाला? No. So, what you need to do is कि जैसे आपका एक question का answer finish हो, just skim through it. Just give it 10 seconds or 20 seconds and skim through it and check the spellings. Because I'm sure कि आप इन small silly mistakes की वजह से marks lose नहीं करना चाहते हैं. Just give it a check, just skim through the answer and you're good to go. Now comes the very important mistake जो हम सब करते हैं and that is to write more than it has been asked. क्या आप जानते हैं हर question के आगे दिए जाते हैं word limit जो आपको लिखनी है उस question का answer लिखने में, but हम तो वो लिखते हैं जितना हम जानते हैं. Don't do that. In fact, अगर आप सिर्फ उतना लिखेंगे जितना आपसे पूछा गया है तो आपके marks lose करने के chances कम होंगे and also you'll save a lot of time. So, I hope कि अब आप इन mistakes की एक checklist बना लेंगे and before you go for your exams, you will just read them once. ऐसा करने से आप अपने exam में unnecessary marks lose नहीं करेंगे and yeah, you can thank me later. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and all the best for your exams. Bye-bye.